हमारी बायोटेक की क्लास यहाँ चलती थी पहले। यार गाइस तुम्हारा भाई सोच रहा है कि भाई एमएससी बायोटेक में एडमिशन लेते हैं, कमेंट करके बताना भाई एमएससी बायोटेक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मेरे को अब। तो यार गाइस डॉल्फिन कॉलेज भाई लिफ्ट भी लगी। तो हे हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो यार गाइस सुबह के 8 बज रहे और भाई सुबह सुबह हम लोग रेडी हो चुके हैं हरिद्वार जाने के लिए। बहुत जरूरी काम पड़ गया है, तो इसे तुम्हारा भाई भी देहरादून जा रहा है, भाई भी काम कर रहे हैं। बहुत तेज हवा चल रही है, ड्रोन भी फ्लाई नहीं कर पा रहे भाई, बहुत तेज हवा चल रही है। और भाई सामने है भाई अपना ऋषिकेश। कल हम लोग भाई इस प्रॉपर्टी में रुके हुए थे और कल भाई बहुत मस्त गंगा आरती भी आप लोगों ने ब्लॉग देखी है। तो भी भाई हम लोग निकल रहे देहरादून के लिए और मैं इतना सारा सामान लेके आ रहा हूँ भाई, पैनियर वगैरह लगाते हैं और मिलते हैं अपने चीता पे और फिर दिखाते हैं आपको क्या सीन है, बंद क्या होने वाला है आज। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, थैंक यू। तो भाई ये था फिफ्थ फ्लोर में, तो पहले भाई हुड वगैरह पहनते हैं, मिलते हैं आपको सीधे चीता पे। तो यार गाइस अपनी चीता रेडी है भाई, पैनियर्स लगा दिए तुम्हारे भाई ने दोनों ही। अरे अभी गाड़ी जो है कोल्ड स्टार्ट में है भाई। तो यार गाइस निकलते हैं, अपनी चीता भी रेडी है और अपनी केटीएम भी रेडी है। तो कल मैंने अपने भाई लोग के साथ भाई इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, तो ये भाई है, क्या नाम भाई आपका? आरुष भाई। और ये अपने बाबा जी, कल की वीडियो में देखा था आपने, ये बाबा जी है। और अपना भाई गोलगप्पा आपको तो बताइए। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? चले तो गाइस निकलते हैं, आज गोलगप्पा भाई केटीएम चलाने वाला है। तो मतलब भाई अपनी जो केटीएम थी ना, अपनी जो केटीएम के ओरिजिनल स्टिकर है अपनी भी ऐसी है, मतलब जब इसको ऐसे ही कंडीशन में देखता ना लगता है कि यार भाई अपनी स्टिकर भी यही लगवा लूँ, बट बहुत प्यारी लगती है ऐसे में। देखो ना हेलमेट पहन के भी गोलगप्पा लग रहा है, आगे सब लग रहा है, लग रहा भाई सच बताना, दिल से बोलना, लग रहा है, लग रहा मेरा दिल रहा है। हाँ अब नहीं लग रहा भाई, अब डरा रहे, पैर पहुंच जाएंगे ना तेरे। तो यार गाइस मस्त धूप आ गई एंकर की। तो गाइस कल गोप्रो की बैटरी चार्ज करना ही भूल गए, सो गए थे कल, बहुत मस्त नींद आई थी एंकर की। फाइनली दोस्तों आज आ चुका हूँ भाई, अभी घर में खाना खा रहे भाई। ये अपनी आलू की सब्जी, छोले, खीर एंड घी वाली रोटियाँ खाना खा रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। 10 बज चुके हैं भाई, 10 बज चुके हैं, नाश्ता करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। हे हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे यार आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो यार गाइस तुम्हारे भाई का ना गोप्रो का माइक खराब हो गया भाई, और भाई ओ भाई क्या नॉइस आ रहा है। तो यार गाइस तुम्हारे भाई ना हेलमेट भी चेंज कर लिया, क्योंकि वाला हेलमेट बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो भाई थोड़ा हल्का है, तो इसमें मैं गोप्रो का सेटअप इसमें लगा दिया, बट ये माइक ना काम नहीं कर रहा है। तो भाई आज का जो सीन है ना भाई पूरा ही खराब कर दिया इसने घर से आने का। तो देखा मैंने भाई रिकॉर्ड तो हो रखा, बट हमारी जो वॉइस है वो नहीं आ रही है। तो अभी तुम्हारा भाई डॉल्फिन कॉलेज के यहाँ पर आ गया, क्योंकि आज तुम्हारे भाई को ना अपना थेरेपी करवाना है जो सर्वाइकल पेन है। तो कॉलेज आते हैं और फिर मिलते हैं। तो यार गाइस डॉल्फिन कॉलेज भाई लिफ्ट भी लगी। कह रहा भाई कह रहा फर्स्ट फ्लोर में से मेरे पैदल चल लूंगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? लाइब्रेरी। तो गाइस ये आदि। हाँ गाइस भाई और अब तो आने की थेरेपी भी होगी। तो मैंने सोचा कि भाई ने बोला कि लिफ्ट खुली, भाई मैंने देखी नहीं थी, मैंने कहा डॉल्फिन कॉलेज में लिफ्ट हमारे टाइम पे थी नहीं, तो अभी लाइब्रेरी में जा रहे हैं। लाइब्रेरी करने के जा रहे हैं हम पढ़ने पढ़ने वापस से। मैं सोच रहा गाइस मैं एमएससी में एडमिशन लेता हूं, एमएससी बायोटेक करता हूं। हमारी बायोटेक की क्लास यहाँ चलती थी पहले। तो यार गाइस तुम्हारा भाई सोच रहा है कि भाई एमएससी बायोटेक में एडमिशन लेते हैं, कमेंट करके बताना भाई एमएससी बायोटेक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मेरे को अब। यार गाइस तुम्हारा भाई आज मेरे घंटा घर में भाई अपना GoPro का माइक लेने आ रखा है भाई, माइक ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो भाई अभी मैं आ रखा हूँ भाई सिनेमा आर्ट के यहाँ पे। बड़ा खुश हो गया मैं, कहना मानना ना मेरा बड़ा अच्छा लग रहा है जब ये टुक करता है ना कि वाला स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है भैया ओके बाय बाय भाई गुप। तो यार गाइस तुम्हारे भाई ने ले लिया न्यू माइक भाई,
अब जाके इतना मजा आया ना, मतलब उस माइक ने ना इतना खज्जल कर दिया था अपनी जिंदगी में भाई। भाई रिकॉर्डिंग होती नहीं थी, वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता था, बड़ा दुख हो जाता था, तो बड़ा दिमाग खराब होता था उस टाइम पे। तो अभी जैसे मैं GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, समझ रहे हो, स्टॉप बोला ना, बोलूंगा तो भाई दोबारा बंद हो जाएगा, तो वही दोबारा बंद हो गया, दोबारा ऑन करना पड़ा भाई। बस मजा गाइस भाई, अब जाके दिल को खुशी मिल गई भाई, अपना GoPro अब अपना कहना मान रहा भाई, अपनी वॉइस बड़ी मस्त मस्ती आ रही होगी अब न्यू माइक के साथ। तो कमेंट करना गाइस कैसा लग रहा है। तो भाई निकलते हैं भाई, अभी अपन ने लिया था सिनेमा आर्ट से, क्योंकि मैंने यहीं से पहले भी मीडिया मोड एंड ये GoPro का माइक लिया हुआ था भाई। ये माइक ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मेरे को कि भाई आपका GoPro का माइक कौन सी कंपनी का है, तो मैं आप लोग को बता दूं भाई, ये कोटक कंपनी का माइक है GoPro का, बहुत ही मस्त वॉइस क्वालिटी है इसकी, तो इसलिए तुम्हारा भाई यही ले रहा था ना। और बहुत सारे भी आते भाई, सस्ते भी आते, बट वो मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ये भाई अपने को पड़ा है 1200 रुपये का। दिन में तो कितनी गर्मी होती है, अभी बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगी। ब्रेजा वाले भैया, एक मिनट भाई, निकल लेते हैं फटाफट पहले। तो यार गाइस इस वीडियो का यहीं पे करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो भाई तुम्हारा भाई घर पहुँचने वाला है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग।